दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आसरादा का, तो जो भी सवाल करते हैं वन वीक में उसका देता हूँ जवाब। और ये जो सेगमेंट होता है दोस्तों आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी करते हैं, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें रिवार्ड मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वैसे पहली बार आए तो कर ही लीजिए सब्सक्राइब। तो पहला सवाल जो पूछा है MD साकिब ने पूछा है, इनका सवाल है कि रियलमी GT मास्टर एडिशन फ़ोन कैसा है, ये लेना सही रहेगा क्या, या ओप्पो रेनो 6 5G दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा। तो प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँगा रियलमी GT मास्टर एडिशन वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। ओप्पो रेनो 6 को आप रहने दीजिए, वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये वैल्यू फॉर मनी है। अंडर 20,000 में ये अभी 20,000 या 19,000 में दोस्तों मिल रहा है इस ऑफर में। बात करते हैं इसमें क्या है, स्नैपड्रैगन 778 का प्रोसेसर है, जिसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 5,40,000 के करीब आता है। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है 6nm टेक्नोलॉजी पे बना गया है दोस्तों, काफी जबरदस्त और काफी लाइट वेट है, मतलब हेवी गेमिंग के लिए भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट है। डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के साथ दोस्तों इसको कंपटीशन देंगे तो इक्वल नजर आएगा। बात करते हैं दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120Hz का है और फास्ट चार्जिंग 65W का भी दोस्तों इसमें देखने को मिलता है, तो सब कुछ इसमें वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये फोन आप कंसिडर कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रहेगा गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, हर चीज के लिए ये नंबर वन है। तो ये फोन ले सकते हैं और लुक लाइक में भी दोस्तों देखने में काफी जबरदस्त है, तो ये फोन कंसीडर आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो MD फैसल ने पूछा है ब्रो 778 कितना पावरफुल है, वो स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के बराबर टक्कर दे सकता है। मतलब ये वही सवाल किए जो अभी अभी मैंने बताया है। तो स्नैपड्रैगन 860 के बराबर इसका प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन 778 5G। ये जो प्रोसेसर है दोनों इक्वल ही आता है, दोनों का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 5,40,000 के करीब आता है। लेकिन यहाँ फर्क ये हो जाता है कि स्नैपड्रैगन 860 जो है 7nm टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, लेकिन दोस्तों ये जो है 778 ये 6nm टेक्नोलॉजी पे, तो ये काफी बैटरी एफिशिएंट है, तो इस मामले में ये जो है काफी जबरदस्त बनता है प्रोसेसर के मामले। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मैनिक डे ने पूछा है ब्रो आपके फोन में MIUI का कौन सा वर्जन चल रहा है, प्लीज टेल मी। मतलब इनका सवाल है कि कौन सा MIUI वर्जन चल रहा है। तो मेरे में चल रहा है MIUI 12.5.8.0 का अपडेट। अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आइए वहां पर आपको दोस्तों सेटअप फाइल देते हैं, मतलब लिंक देते हैं, आप डाउनलोड करिए, 2GB का करीब है और आपका हो जाएगा जो भी आप चाह रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विशाल राय का सवाल है Realme 7 Pro वर्सेज Redmi Note 10 Pro कैमरा टेस्ट, तो बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा आपको हमारे चैनल पे। Realme 7 Pro मैं ढूंढ रहा हूँ, किसी के पास मिले तो कैमरा टेस्ट जरूर आपको देंगे, और हमारा कैमरा टेस्ट थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। लेकिन अगर आपको Realme 7 Pro का कैमरा टेस्ट अगर आपको रियल में चाहिए, तो मैंने अपने वीडियो में ऐसे कर दिया है Realme 7 Pro का, लेकिन Redmi Note 10 Pro के साथ नहीं किया है, मैं इसका किया है Xiaomi 10 लाइट, जो दोस्तों 5G चाइना में गया था, वही फ़ोन के साथ मैं इसका कंपटीशन किया हूं और उसका अनबॉक्सिंग वगैरह भी दिया हूं, तो जाके देख सकते हैं। उसमें 48 MP के साथ कंपटीशन किया हूं और लगभग दोनों ही सेम और इक्वल नज़र आए हैं, लेकिन Redmi Note 10 Pro से कैसा आएगा वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, तो हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो MS गेमर ने पूछा है भाई ऑफलाइन मार्केट में Redmi Note 10 Pro, मतलब इनका सवाल यही है क्या फ़ोन का प्राइस कितना होगा। तो 17,999 रुपये ऑफलाइन मार्केट में ये मिल सकता है कोई कोई, और कहीं कहीं तो 18-19 हज़ार भी चल जा रहा है, तो आप देख लीजिए, वैसे ऑफर में लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप अमेज़ॉन में जाइए, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ पर आप लेंगे तो 14,500-15,000 में ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नितेश का सवाल है ब्रो बैटरी ड्रेन फिक्स और नॉट, तो बैटरी ड्रेन जो है फिक्स नहीं हुआ है, वो जैसे क्या वैसे ही है, मगर मैं एक बात बोलूँ कि मैं वाईफाई यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मुझे बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल का और ज़बरदस्त देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप नेटवर्क यूज़ करेंगे, मतलब मोबाइल का जो डेटा है वो यूज़ करेंगे, नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर बैटरी ड्रेन पता नहीं क्यों देखने को मिलता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यस यशवंत का सवाल है कैन आई बाय दिस और नॉट प्लीज टेल मी Redmi Note 10 Pro। अगर आपको ये 15,000 में मिल रहा है अभी अमेजोन में तो आप ले सकते हैं, लेकिन 16-17 हज़ार अगर आप लगा रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा Realme GT मास्टर एडिशन और पैसे लगा कर ले लीजिए, काफ़ी बेस्ट रहेगा, या IQOO Z3 आप ले लीजिए, काफ़ी संतुष्ट रहेंगे आप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो एवेंजर भैया ने, मतलब ये वो वाले एवेंजर है, तो एवेंजर ने पूछा है Redmi Note 10 Pro हैव स्मॉल बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम, प्लीज़ गिव मी ए सॉल्यूशन या एडवाइस। तो मैं इनको यही बोलूंगा कि 120Hz का अगर आप रिफ्रेश रेट गेमिंग में यूज़ करते हो तो ठीक है, नॉर्मली 60Hz में रखिए, आपको बैटरी ड्रेन थोड़ा कम देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, आप सिक्योरिटी में जाइए, वहाँ नोटिफिकेशन में इसका विजेट्स को सेट कर लीजिए, मतलब जो सिक्योरिटी ऐप का है वहाँ पर बार बार आपको क्लीन करने का ऑप्शन देगा, अगर आपका मोबाइल वगैरह थोड़ा भर जा रहा है तो वहाँ पर दिखाएगा,
तो वो चीज़ आप क्लीन करिए, आपको हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह देंगे। इंस्टाग्राम में आइए, वहाँ पर फॉलो करिए, फॉलो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम में आइए, वहाँ पर आप मैसेज वगैरह करिए तो आपको ये सारा चीज़ मिल जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कुलदीप साहू का सवाल है, भाई एक प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ रेडमी नोट 10 प्रो बैक कैमरा में सिल्वर स्ट्रिप आ रहा है फोटो क्लिक करने में, कोई क्या दिक्कत है, क्या आपके फ़ोन में भी आ रहा है, इस तरह का इनका सवाल है। तो मेरे फ़ोन में नहीं आ रहा है, आपसे इंस्टाग्राम में बात हुआ था और सही में आपका में आ रहा है। आप क्या करिए कि एक बार सर्विस सेंटर विजिट कर लीजिए, दिखाइए वहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मेरा भी फ़ोन है, मैं लाइट में भी फ़ोटो खींचा हूँ, आपको क्लिक करके दिया भी हूँ, तो मैं आपको एक ही सोल्यूशन दूंगा कि आप जाके दिखा लीजिए। हो सकता कोई बक्स वगैरह हो या कुछ अंदर में वायर वगैरह आ जाता है या कुछ भी आ सकता है ऐसा, जिसकी वजह से ये हो रहा है प्रॉब्लम। या फिर आप बैक कवर यूज़ कर रहे हो तो बैक कवर रिमूव करके एक बार फ़ोटो क्लिक करके देखिए क्या डे लाइट में भी आ रहा है, और नाइट में तो ये आता ही है आपका जैसा बोलना था। तो जाइए देखिए, चेक करिए, या फिर आप सर्विस सेंटर विजिट कर सकते। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अमरदीप का सवाल है, रेडमी नोट 10 प्रो में स्क्रीन कास्ट करने में ऑडियो नहीं आ रहा है और किसी के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरे फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, मेरे पास टीवी है और उसमें डिश वगैरह मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ अभी, जियो फाइबर से यूट्यूब वगैरह लोग देखते हैं दिन भर, और वूट वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं। एक वीडियो आएगा आपको कि आपको जियो फाइबर से क्या क्या बेनिफिट है, मतलब टीवी में आप इंटरनेट, अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो उसमें आप चैनल वगैरह देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इस तरह का वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो स्टे ट्यून करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर रहे थे कि मैं उसमें स्क्रीन कास्ट करता हूँ, IPL वगैरह भी देखता हूँ, जैसे दोस्तों फायर वीडियो वगैरह मैं पहले दिया था ऐप वगैरह, जिसे आप IPL वगैरह या फिर लाइव चैनल देख सकते हैं, तो उस तरह का मैं देखता हूँ कास्ट करके, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं मिलता। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो परमिशन वगैरह में आप कहीं पर दिक्कत की है तो उसको जाइए कास्ट का ऐप इन्फो में जाइए, वहाँ पर देखिए कि आप परमिशन ऑन किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर आपके टीवी या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो सकता है मे बी। वैसे आप इंस्टाग्राम में आइए, स्क्रीनशॉट सेंड करिए, वहाँ पर हम देखते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो MD साकिब का सवाल है, भाई ओप्पो रेनो लेना सही रहेगा जबकि इस प्राइस में 5G स्मार्टफोन आ चुका है मार्केट में? तो एकदम सही सवाल है आपका और सही जवाब मैं आपको दूंगा कि ओप्पो F19 में स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर है, ये वही प्रोसेसर है जो 10,000 के फ़ोन में आता है, तो आप 18,000 क्यों खर्चा करें सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले के लिए? तो रेडमी नोट 10 प्रो ले लीजिए या फिर रियलमी X7 ले लीजिए या फिर आईको Z3 ले लीजिए या फिर गेमिंग वगैरह करते हैं तो पोको X3 प्रो ले लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको लेना सही नहीं रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बेलुक्स ग्रैंडफादर का सवाल है, प्लीज़ कम्युनिटी टैब में मेरा चैनल प्रमोट कर दो। एकदम कर देंगे, आप लिंक सेंड करिए इंस्टाग्राम में अपने कोई भी बेस्ट वीडियो का, उसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने कम्युनिटी टैब में, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सब काम करने में मैं माहिर हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ सब ग्रो करें। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो रियान अहमद का सवाल है, इंस्टाग्राम नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन रेडमी नोट 10 प्रो, एनी सॉल्यूशन हाउ टू फिक्स? आप क्या करिए, इंस्टाग्राम को आप अनइंस्टॉल करिए फिर इंस्टॉल करिए, क्योंकि अपडेट वगैरह शायद नहीं किए होंगे, उसके बाद आप चेक करिए ये चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मे बी आपका ये बग फिक्स हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तुषार का सवाल है, MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन जब आएगा तो भाई इस अपडेट में बैटरी ड्रेन और हीटिंग इश्यू फिक्स होगा या नहीं होगा? एकदम होगा भाई, क्योंकि MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन जब आएगा तो इसमें कोई फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ फीचर्स को काट दिया जाएगा जिसके मदद से क्या होगा कि मोबाइल बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा और एकदम स्टॉक एंड्रॉयड के जैसा फील आपको देगा, मतलब आप यूज़ करेंगे तो इसलिए इनहेंस एडिशन आने वाला है जिससे आपका सारा बग वगैरह फिक्स हो जाए, तो ये भी बग आपका फिक्स हो जाएगा इस अपडेट। तो दोस्तों यही कुछ सवाल थे जिसका मैंने दिया हूँ जवाब, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर या व्हाट्सअप में कहीं पर भी भेजिए और बताइए किस तरह का है भैया होता है, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो आप भी दोस्तों मेरी मदद करिए और सेंड करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि YouTube मेरे वीडियो को 100-150 लोगों से ज़्यादा को भेजता नहीं है, इस वजह से मेरा व्यूज़ कम आता है। मैंने इंप्रेशन वगैरह रीच में जाके चेक किया हूँ तो इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।